सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में सरफेस इंटीग्रल को किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करके कैसे इवेलुएट करते हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। मैं वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल पर 4 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। अगर आप हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करें और साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यूज़ मुझे मिलता है तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी और मैं नए नए वीडियो आपको अपलोड करके देते रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करूँ। इस वीडियो को या जो भी मेरे चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरफेस इंटीग्रल होता क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैं इसको बता चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस यहां पर कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ये कोई भी थ्री डायमेंशनल सरफेस हो सकता है या 3D स्पेस में कहीं पर भी ये सरफेस हो सकता है। तो ये सपोज कीजिए ये कोई सरफेस है, ये हेमिस्फीयर टाइप का एक कोई सरफेस है और इस सरफेस को हम लोग S मान लेते हैं और इस सरफेस में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है f। ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन इस सरफेस में किसी भी पॉइंट पर, इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड है और साथ में कंटिन्यूस है। और इस सरफेस के कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये n मानते हैं। तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन को n के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू s ओवर s, सरफेस s में हम लोग को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसी इंटीग्रल को कहते हैं हम लोग सरफेस इंटीग्रल, या इसको नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इवेलुएट कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं क्या डिफिनेशन है उसका मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आपको अगर देखना हो तो उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आज मैं बात करूँगा कि इसको इवेलुएट कैसे करते हैं। तो इवेल्यूशन यहाँ पर मैं सिखाऊंगा इसके बारे में। तो इवेल्यूएट ऐसे इस सरफेस में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, इसको इंटीग्रेट करने के लिए किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं और उस कोऑर्डिनेट प्लेन का जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आएगा उस पर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, देखिए, सरफेस इंटीग्रल कैन बी इजिली इवेल्यूएटेड बाय एक्सप्रेसिंग इट एज डबल इंटीग्रल टेकन ओवर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस एस ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट प्लेन चूजन मिड द सरफेस एस इज नॉट मोर देन वन पॉइंट। इफ ये सरफेस एस डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन इट कैन बी सब डिवाइडेड इन टू सरफेसेज विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। फ्रेंड्स, देखिए है क्या, मान लीजिए आप ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं और ये वाई एक्सिस ले रहे हैं, या इसको हम लोग जेड एक्सिस मान लेते हैं और वाई एक्सिस ऐसा मानते हैं। तो ये तीन एक्सिस हो गया, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन आएगा। कैसे तीन कोऑर्डिनेट प्लेन आएगा इसके बारे में समझिए जरा, कि मान लीजिए इस तरीके से ये आपका ऐसा फिगर है तो आप देख रहे हैं कि ये जो साइड है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जो है वो जेड एक्सिस हो गया। तो ये तीन प्लेन है, नीचे वाला जो प्लेन है वो नीचे वाला प्लेन क्या कहलाएगा, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। तो ये जो प्लेन कहलाएगा एक्स वाई प्लेन कहलाएगा और ये जो प्लेन है ये साइड में, ये साइड आप जो देख रहे हैं वो कौन सा प्लेन हो गया, ये वाई है और ये जेड है, तो ये वाई जेड प्लेन हो गया इधर वाला। और जो पीछे आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो कौन सा प्लेन है, एक्स और जेड है, तो वो एक्स जेड प्लेन हो गया। तो तीन कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया
अब मान लीजिए एक कोई हम लोग हेमीस्फीयर ले लेते हैं, तो हेमीस्फीयर सपोज कीजिए इस तरीके का आपका हेमीस्फीयर है, ये जो आप देख रहे हैं ये हेमीस्फीयर है। तो इस तरीके का अगर आप हेमीस्फीयर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर एक हेमीस्फीयर ले लेते हैं, तो ये जो हेमीस्फीयर लिए हुए हैं उसका प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे? एक्स वाई प्लेन पर। इसका जो है आप ये देख पा रहे हैं, इसका जो एक्स वाई प्लेन पर हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एक्स वाई प्लेन सपोज कीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस एक्स वाई प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन हम जब ड्रॉ करेंगे तो कैसा प्रोजेक्शन आएगा? आप सपोज कीजिए ये जो आपका दिख रहा है कि ये हेमीस्फीयर है, और ये जो हेमीस्फीयर है इस हेमीस्फीयर को अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या आएगा? अब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता क्या है जरा इसके बारे में समझिए। सपोज कीजिए इस तरीके का हेमीस्फीयर है और हम लोग को किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है इसे एक्स वाई प्लेन पर, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे भी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है हम लोग को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर कैसा फिगर बनेगा? ये एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ से भी देखिए ये जो है इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर नीचे जो है वो किस तरीके का फिगर बनेगा? एक सर्कल बन जाएगा। तो यही ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हो गया। आप ऑर्थोगोनल में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अगर हेमीस्फीयर है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये हम लोग एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ नीचे जो है एक बन जाएगा सर्कल, और इसी में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। जो निकालते हैं हम लोग सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, तो इसको हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट कर देंगे आर में। ये एस सरफेस है, सरफेस एस का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम लोग एक्स वाई प्लेन पर कर रहे हैं। वो मान लीजिए ये जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आया उस रीजन को आर से डिनोट कर रहे हैं, तो अब इसको हम लोग आर रीजन में इंटीग्रेट करेंगे और वो एक्स वाई प्लेन पर आ जाएगा। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर एफ डॉट एन और डी एस के जगह यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई होगा, और क्या होगा यहाँ पर डी एस और क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है मैं अभी डिस्कस करूँगा, और वो रीजन कौन सा रीजन हो जाएगा? आर रीजन होगा। आर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, तो आर रीजन में यहाँ पर हम लोग इसको इवेलुएट करेंगे। तो अब एक्स और वाई दो ही वेरिएबल रहेगा और एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के बारे में क्या है मैं अभी जो बताया था उसमें, ये तभी अप्लाई करेंगे जब जिस प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस सरफेस को एक से अधिक पॉइंट पर नहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन पर जो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस सरफेस को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये मान लीजिए होलोस्फीयर है तो एक से अधिक पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसको दो पार्ट में या तीन पार्ट में या उससे अधिक पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और उसी पार्ट को हम लोग लेंगे जिसमें एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता। मान लीजिए अगर पूरा स्फीयर है तो पूरा स्फीयर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में बांट देंगे, और बांट देंगे तो उसका इसका अलग निकाल लेंगे और इसका अलग निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पूरा स्फीयर है तो पूरा स्फीयर में अगर हम लोग कोई एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दो पॉइंट पर इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है। एक कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। अब यहाँ पर इसका अलग से सरफेस इंटीग्रल निकाल लेंगे ये ऊपर वाला में, और फिर नीचे वाला में अलग से सरफेस इंटीग्रल निकाल लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये कंप्लीट स्फीयर में जो है वो सरफेस इंटीग्रल निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताया हूँ पहले, देखें आप लिखा हुआ था कि ऐसा ही सरफेस हम लोग कंसिडर करेंगे जिसमें एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता हो। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं प्रोजेक्ट करके, इसके बारे में देखिए। फ्रेंड्स ये देखिए एक कोई सरफेस है, ये हेमीस्फीयर है और इस सरफेस को हम लोग मान रहे हैं एस। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि लेट एस बी ए सरफेस सच दैट एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन,
एक्स वाई प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल, तो जेड एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इस सरफेस को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, मीट्स एस इज नॉट मोर देन वन पॉइंट, लेट द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन बी आर वन। मान लीजिए इसका हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ किए, कहाँ पर प्रोजेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पर, और इस प्रोजेक्शन को मान रहे हैं आर। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं सरफेस का, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लेते हैं ये सरफेस का, और ये सपोज कीजिए डी एस है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सरफेस में, मान लीजिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस में एक छोटा सा हम लोग ये एरिया लेते हैं, और इस एरिया को, स्मॉल एरिया को हम लोग डी एस से डिनोट कर रहे हैं। ये जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम लोग डी एस से अगर डिनोट करें, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। अब इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, एक बहुत वेरी स्मॉल है, इसका अगर एक्स वाई प्लेन पर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्स वाई प्लेन पर किस तरीके का प्रोजेक्शन आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप पर बन जाएगा इसका जो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन आएगा, वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। देखिए इसका प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पर ये आया, ये जो है एरिया डी एस है, और यहाँ पर जो है वो एक रेक्टेंगल होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के ये स्मॉल है, तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल आएगा इस तरीके से, मान लीजिए बन रहा है ये रेक्टेंगल, तो इसकी जो लेंथ होगा वो डी एक्स मानते हैं और ब्रेथ जो होगा वो डी वाई मानते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, यानी डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, क्योंकि ये वेरी स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल है तो जब यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे तो एक रेक्टेंगल जैसा ही आएगा, तो ये हो जाएगा इसका एरिया डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जरा समझिएगा इसको। तो सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो ये होता है, सरफेस इंटीग्रल एफ कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एन यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इनटू डीएस इसी को हम लोग को इवेलुएट करना है। एन है क्या, एन जो है यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, इस स्मॉल जो एरिया ले रहे हैं एलिमेंट्री एरिया, इस पर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट को अगर पी मान लें तो यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, मान लीजिए हेमिस्फीयर है और ये जो है वो टेंजेंट प्लेन हो गया, ये टेंजेंट प्लेन है, आप देख पा रहे होंगे इसको कि ये टेंजेंट प्लेन है जो इसको सिर्फ टच कर रहा है। अब जहाँ पर टच कर रहा है उस पॉइंट पर हम लोग इस टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल कहलाएगा, इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। मान लीजिए ऐसा है, इस पॉइंट पर है तो इधर नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा है तो इधर नॉर्मल हो जाएगा, टेंजेंट प्लेन जैसा जैसा मूव कर रहा है, टेंजेंट प्लेन अलग अलग जगह लेंगे तो अलग अलग मूव करेगा, तो जहाँ पर भी टेंजेंट प्लेन ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, तो यही नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो ये जो है वो नॉर्मल वेक्टर हो गया, और ये है जेड एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग मान रहे हैं कि, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं, जेड एक्सिस के पैरेलल जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कैप से, एक्स एक्सिस के पैरेलल आई कैप से और वाई एक्सिस के पैरेलल जे कैप से। अब हम लोग मानते हैं कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो के साथ गामा एंगल बना रहा है, ये गामा एंगल बना रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए कि लेट, यहाँ पर जो n लिख रहे हैं लेट, तो क्या लिखे हैं, लेट n बी ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट p ऑन ds, ds पर एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, ये p पॉइंट है और p पॉइंट ले रहे हैं और ds पर, एंड ये n जो है उसी पर नॉर्मल वेक्टर और मेकिंग एंगल गामा विथ k, और गामा एंगल बनाता है k के साथ। अब हम लोग देखिए ये ds का जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वो कैसे निकालेंगे, जरा इसके बारे में समझिए। ये प्रोजेक्शन है, आप इसको इस तरीके से समझिए, कैसे प्रोजेक्शन हम लोग लाइन के बारे में कंसीडर करते हैं, बाद में आप उसी तरीके से इस एरिया के बारे में, इस यहाँ जो एरिया आएगा वो एरिया कुछ इस तरीके से ही होगा, तो इस तरीके से एक स्क्वायर जैसा ही होगा, थोड़ा सा ये कर्व लेगा लेकिन वेरी स्मॉल रहेगा, तो इसे इसीलिए जो कर्व होता है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट प्लेन की तरफ मान सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मान लीजिए कोई कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस का इतना बड़ा ले लेंगे तो ये कर्व थोड़ा सा दिख रहा है मुड़ा हुआ, लेकिन अगर बहुत
छोटा सा लेते हैं, एकदम छोटा सा यहाँ पर लेते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। तो इसी तरीके से ये जो यहाँ पर स्फीयर है तो इस स्फीयर तो थोड़ा सा कर्व टाइप पर है। अब कर्व टाइप पर लेकिन वेरी स्मॉल पार्ट लेंगे तो वो एकदम फ्लैट प्लेन की तरह दिखेगा। और उसी प्लेन का जो है वो प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पर कहाँ पर ड्रॉ किए हैं, एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन है वो एक रेक्टेंगल आ रहा है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो डी एक्स इंटू डी वाई है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, जरा इसके बारे में समझिए, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको एक लाइन से समझिए, क्योंकि जब लाइन से आप समझ जाइएगा तो प्लेन पर भी हम लोग वही चीज़ को अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए इसका प्रोजेक्शन निकालना है, इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है, इस पर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर है तो ये जो डिस्टेंस आया एम एन, ये ए बी का प्रोजेक्शन हो जाएगा, ए बी का प्रोजेक्शन एम एन हो जाएगा। अब जरा इसको समझिए, यहाँ पर मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन पर इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है, तो इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना यहाँ पर ए और बी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही हो जाएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये एंगल मान लीजिए है आपका थीटा, तो थीटा है तो ये ए एम को कहेंगे प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन कहेंगे, ए बी का। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए कॉस थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस, बेस है ए एम अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सॉरी ए एम है यहाँ पर, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है। तो ए बी को आप इधर कर दीजिए, तो ए बी को इधर कर देंगे तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू कॉस थीटा। तो ए बी इंटू कॉस थीटा, ए बी में इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एम निकल गया। ए एम क्या है, ए एम जो है वो प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शन निकालने के लिए ए बी में कौन सा एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो आ रहा है यहाँ पर, ये जो सरफेस आ रहा है, ये सरफेस का प्रोजेक्शन हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो ये प्रोजेक्शन कितना आएगा इसके बारे में समझिए, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, ये सपोज कीजिए ऐसा लाइन है और इसका प्रोजेक्शन जो है वो आप एक सपोज कीजिए ये जैसे प्लेन है, तो प्लेन जो है वो प्लेन आपका ये सामने वाला फेस देख रहे होंगे तो सामने एक लाइन जैसा ही दिख रहा है। तो सपोज कीजिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन का प्रोजेक्शन यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो प्लेन का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा ए बी, अगर इसको मान लेते हैं, और यहाँ पर ए एम प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि एन जो है वो इस पर परपेंडिकुलर था, एन जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर था, इस पर परपेंडिकुलर था इस प्लेन पर, और के जो है ये है, और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में गामा एंगल बन रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए ये भी एंगल गामा ही होगा, कैसे गामा होगा जरा समझिएगा इसको, यहाँ से आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दिए तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस गामा, यहाँ पर पूरा एंगल 90 डिग्री प्लस गामा, और ये पूरा है 180 यहाँ से यहाँ तक। तो इस एंगल को आप अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस गामा, तो 180 में 90 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 डिग्री माइनस गामा। तो ये कौन सा एंगल आया, ये आ गया 90 डिग्री माइनस गामा, और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम आएगा आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। तो देखिए ये 90 माइनस गामा है, तो ये कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री में इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 90 डिग्री माइनस गामा, तो 90 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर गामा बच जाएगा, तो ये एंगल हो गया गामा। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये ए बी निकालना है, तो ए सॉरी ए एम निकालना है। तो ए एम कैसे निकलेगा, मैं अभी बता रहा था कि ए एम कैसे निकलेगा, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस गामा के साथ। तो ए बी जो है एरिया, ए बी एरिया जो है वो डी एस है, तो यहाँ पर डी एस को मल्टीप्लाई करेंगे, और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस गामा के साथ। तो ये एरिया निकल जाएगा, इसको अभी आप हम लोग लाइन मान रहे थे, लेकिन यहाँ लाइन नहीं है बल्कि ये प्लेन है, और इस प्लेन का जो एरिया है वो डी एस है, और इस प्लेन का जो एरिया आएगा वो निकालना है हम लोग को। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेन का एरिया है, इस एरिया को निकालने के लिए, इस प्लेन का एरिया क्या है, डी एक्स इंटू डी वाई है, यहाँ पर जो एरिया है वो डी एक्स इंटू डी वाई है। तो डी एक्स इंटू डी वाई को हम लोग डी एस के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस एरिया को आप कैसे निकालेंगे,
कि मैं बताया कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस एंगल के कोसाइन से, तो यहाँ पर ये जो एरिया है वो ds है, ये आप इसको ds मान लिए, और ds को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस गामा से, तो ये dx इंटू dy निकल जाएगा। यहाँ का एरिया तो dx इंटू dy था, तो ये हो गया। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि dx इंटू dy बराबर क्या होगा, ds इंटू कॉस गामा होगा। अब ये कॉस गामा कैसे निकालेंगे, जरा इसके बारे में समझिए। ये दो वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर है, एन भी यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, और के भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों के बीच में जो गामा है उसका कोसाइन निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे जरा समझिए यहाँ पर, कि आपको पता होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं वो कैसे निकलता है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, फिर सेकेंड का मैग्नीट्यूड, सेकेंड जो वेक्टर है के कैप है इसका मैग्नीट्यूड, और उसके दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन। अब यहाँ एन जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड वन होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड वन होगा, इनटू कॉस गामा। तो कॉस गामा इक्वल टू क्या हो गया, एन डॉट के हो गया। लेकिन ये कॉस गामा हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल ही होगा हमेशा, कभी भी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के साथ जो है वो निश्चित रूप से 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। अब कम क्यों बनाएगा, आप मान लीजिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस में कहीं भी आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं बनाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट का नॉर्मल इधर हो गया और जेड एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस और ये दोनों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं बनेगा। तो जब भी होगा 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री के बराबर एंगल बनेगा, तो हमेशा ये एक्यूट ही रहेगा, तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो कॉस गामा का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पर हम लोग मॉड लगा देंगे, मतलब हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। तो ये जो कॉस गामा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds, और कॉस गामा के बदले क्या लिख सकते हैं, मॉड n डॉट k लिख सकते हैं, k कैप। अब ये इधर डिवाइड कर दीजिए तो ds का वैल्यू आ जाएगा, ये इधर ले आते हैं, तो dx इंटू dy डिवाइडेड बाय मॉड n डॉट k हो गया, ये ds का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे, तो ये जो सरफेस इंटीग्रल था, सरफेस इंटीग्रल f डॉट n ds, इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कि इस सरफेस इंटीग्रल में f तो यहाँ पर रहने देते हैं, डॉट n भी रहने देते हैं, और ds के बदले अब हम लोग ये लिख जाएंगे dx इंटू dy डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n इन डॉट k। और यहाँ अब ये जो हो गया, ये इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, यानी कि इस सरफेस में इंटीग्रेट करना था, और यहाँ पर dx dy आ गया, मतलब xy प्लेन पर इंटीग्रेट करना है। तो xy प्लेन में रीजन कौन सा होगा, किस रीजन में इंटीग्रेट करेंगे, r रीजन में इंटीग्रेट करेंगे, इसको r1 हम लोग कहे थे। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि द प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन xy प्लेन बी r1, तो इस रीजन को r1 कह रहे थे, तो हम लोग यहाँ r1 रीजन में अब इंटीग्रेट करेंगे। तो ये डबल इंटीग्रल हो गया, और x और y जो दो वेरिएबल होता है उस दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे r1 रीजन में। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका है, हम लोग जब किसी भी सरफेस इंटीग्रल को s के अबाउट निकालना है इसका, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन पर इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, और एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करने के बाद ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, और इस फार्मूला से हम लोग फिर आगे बढ़ करके इसको इवेलुएट कर लेंगे। लेकिन अगर कभी हम लोग को वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत पड़े या जेड एक्स प्लेन पर प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या होगा, अगर यहाँ पर हम लोग एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट किए हैं, तो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट किए हैं तो यहाँ पर के लगाए हैं, आप मान लीजिए के मतलब क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है वो यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिए हैं। मान लीजिए अगर वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, मतलब आई हो जाएगा। तो यहाँ पर के नहीं लिखेंगे, उस समय लिखेंगे हम लोग यहाँ पर आई कैप लिखेंगे, और यहाँ पर डी एक्स वाई जेड प्लेन पर कर रहे हैं तो डी वाई डी जेड हो जाएगा, डी वाई डी जेड हो जाएगा। और अगर हम लोग को जेड एक्स प्लेन पर करना है, तो यहाँ पर जेड और एक्स कर देंगे,
और जेड एक्स प्लेन पर जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, जेड एक्स प्लेन पर परपेंडिकुलर जो होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग होता है यहाँ पर जे, तो उस समय जे कर देंगे और जो भी यहाँ पर रीजन होगा वही रीजन लिखेंगे। मान लीजिए रीजन आर टू है तो आर टू लिखेंगे, आर थ्री है तो आर थ्री लिखेंगे, मतलब जेड एक्स प्लेन पर जो रीजन यहाँ पर प्रोजेक्शन के आएगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट जब करेंगे सरफेस को जेड एक्स प्लेन पर तो जो रीजन आएगा वो रीजन यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला हो गया जिससे हम लोग आगे इवेलुएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बस यहीं तक, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताऊंगा। आज मैं बताया हूं सरफेस इंटीग्रल को किसी एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्रोजेक्ट करके कैसे इवेलुएट करते हैं, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्ट करने के बाद कैसे कौन सा फॉर्मूला आता है, मैं उस फॉर्मूला को डिस्कस किया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन जब आपको बताऊंगा तो ये पूरा सरफेस इंटीग्रल आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि कैसे इवेलुएट करते हैं। अभी मैं पहले दो वीडियो में, पहले वाला वीडियो में और आज वाला वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताया हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी कन्फ्यूजन हो उसको रिप्लाई करने का। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।